हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लक्ष्मी कुकिंग पे। तो आज हम पानी पूरी बनाएंगे आलू के साथ। बहुत सारे लोग तो मटर के साथ भी बनाते हैं, लेकिन हम सिर्फ आलू के साथ बनाएंगे। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा लाइक करना, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मेरी चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पानी पूरी। पानी पूरी बनाने के लिए मैं 3 चम्मच आटा, 3 चम्मच मैदा और 2 चम्मच सूजी ले रखी हूँ। तो इसी चम्मच में मैं नाप से लिया हूँ। तो इसको आटा को गूंदने के लिए मैं इसी बाउल में डाल रही हूँ। तो इसको मैदा को भी डाल रही हूँ। पहले आटा को डाल दिया, फिर मैदा को, अभी सूजी को डाल रही हूँ। और एक अच्छे से पूड़ी बनाने के लिए जैसे डो बनाते हैं टाइट सा, वैसे ही बनाएंगे। इतना भी फ्रेंड्स टाइट सा नहीं बनाना जो कि हम बेल ना सके, थोड़ा सा नरम ही गूंदना। तो चलिए हम गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए हम गूंद लेंगे पहले। अच्छा सा गूंद लेंगे, जैसे कि थोड़ा नरम और थोड़ा टाइट भी होगा। इतना टाइट भी नहीं कि इतना भी नरम भी नहीं। हम देखिए, मैं अच्छे से गूंद लिया हूँ आटा को। अभी पूरा रेडी हो गया है। तो अभी हम उसको 10 मिनट्स के लिए साइड करके रख देते हैं। तब तक हम बाकी का रेडी कर लेते हैं। बाकी जो अभी मैं पानी बनाऊंगी, जो पानी पूरी के लिए एक पानी बनाऊंगी जो इमली का पानी होता है, मैं इसीलिए इमली थोड़ा सा लेके पानी में भिगो दिया हूँ। ये पानी पूरी का मसाला है और इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए मैं 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा ग्रीन चिली, ये आपका ऑप्शन होगा, आपका पसंद है तो दीजिए नहीं तो नहीं। ये ब्लैक पेपर है और ब्लैक सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। तो अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्रीन चिली को भी दे देते हैं और उसमें हम नमक भी डाल देंगे और थोड़ा सा ब्लैक नमक भी डाल देते हैं। तो अभी हम पेस्ट बना लिए हैं और अभी हम पानी बना लेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी दे रही हूँ। तो उसमें हम 3 चम्मच इमली का पेस्ट मिलाएंगे। भी हम इसमें मसाला डालेंगे, तो ब्लैक सॉल्ट डाले हैं और नॉर्मल सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये जीरा पाउडर है चम्मच और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे। अभी इसको मिला लेंगे पूरा। अभी डालेंगे पानी पूरी का मसाला। आप कुछ भी नहीं बना डाल के सिर्फ पानी पूरी मसाला में भी पानी बना सकते हैं और इसमें भी पानी बहुत अच्छा बनता है, सिर्फ जीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर मिला के। अभी हम ग्रीन पानी जो बनाएंगे और एक जो कि मैं धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और ये अजवाइन का पत्ता ले रही हूँ और थोड़ा ग्रीन चिली और 1 इंच से थोड़ा कम अदरक और 1 चम्मच मैं इमली का पेस्ट दे रही हूँ। और पेस्ट बना लिया हूँ उसको, उसमें भी मैं 1.5 ग्लास पानी में वो पेस्ट को मिला रही हूँ। ये ग्रीन चटनी भी बहुत अच्छा लगता है पानी पूरी के साथ। तो इसमें भी अभी हम मसाला डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, ये ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे आधा चम्मच, नॉर्मल सॉल्ट डालेंगे, ये है पानी पूरी मसाला, उसमें भी पानी पूरी मसाला डालेंगे। तो इसमें पानी पूरी मसाला 1 चम्मच डाल रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ जो कि ब्लैक पेपर, नॉर्मल नमक और इसको भी मिला लेंगे हम।
इसमें ग्रीन चिली डाले हैं इसीलिए मैं रेड चिली नहीं डाल रही हूँ। आपको पसंद है तो ग्रीन चिली के साथ रेड चिली भी डाल सकते हैं, आप ज़्यादा तीखा खाए तो खाते हैं तो डाल सकते हैं। तो अभी हम मैं ऐसा आधा किलो के आसपास में छोटा छोटा आलू को ले रही हूँ, इसको बॉईल करके रखी थी तो उसको मैश कर लिया हूँ। उसमें से जीरा पाउडर डाल रही हूँ, चाट मसाला डाल रही हूँ, उसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और अभी मैं ग्रीन चिली छोटा छोटा चॉप करके रखी थी उसको डाल रही हूँ, प्याज चॉप करके रखी थी एक मीडियम साइज का प्याज और कुछ धनिया पत्ता, इसको सब डाल रही हूँ और आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये आलू बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है पानी पूरी के साथ। ऐसे आलू आप बनाइए और खाइए, आपको भी पता चलेगा कि ये कितना टेस्ट लगता है आलू। देखिए ये आलू रेडी हो गया है, मैं मिक्स कर लिया हूँ, अभी हम बनाएंगे पूड़ियाँ। तो चलिए ये आटा अभी रेडी हो गया है और थोड़ा सा नरम भी है, सेट हो गया है तो नरम भी हो गया है, थोड़ा सा और 1-2 मिनट के लिए हम भून देंगे तो ये रेडी हो गया है। अभी हम इसको बेल लेंगे, पहले हम रोटी की जैसे लुई बना लेंगे। मैं यहाँ पे छोटा छोटा डायरेक्टली नहीं बेल रही हूँ, मुझे कटर के साथ कट करना है, तो मैं यहाँ पे रोटी के जैसे लुई बना के बेल लेती हूँ। पहले बिल्कुल पतला सा बेलना है हमको, ये बेलन से बेला नहीं जाएगा तो आप थोड़ा सा आटा लेके उसमें से डाल के बेल सकते हैं। देखिए मैं जैसे थोड़ा सा आटा लेके बेल रही हूँ वैसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप उसमें ऑयल भी डाल के बना सकते हैं। मैं आटा गूंदने के टाइम भी ऑयल नहीं लगाई, और जब हम सेट करने के लिए रखे थे उस टाइम भी मैं ऑयल नहीं लगाई, और जब लुई बनाई उसमें भी हम वो ऑयल नहीं लगाए, तो हम बिल्कुल ऐसे ही कट कर लेते हैं। मेरे पास एक छोटा सा टिफिन था जो टिफिन के जैसा, उसमें मैं कट करती हूँ। आपके पास कटर है तो कट कर सकते हैं कटर में, नहीं तो आप डायरेक्टली भी छोटा छोटा बेल सकते हैं। फिर पूड़िया को बेल चुकी हूँ, देखिए अच्छे से ऐसे ही पतला पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा बेले तो हम तो कुरकुरे जैसे कुरकुरे नहीं होगा। तो देखिए मैं 5 बेल लिया हूँ, बाकी का सब भी मैं ऐसे ही बेल लूंगी। और कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए मैं दे दिया था पहले से, और ये हाई फ्लेम में गरम होने के लिए दे दिया, तो ये गरम हो गया है। अभी हम पूड़ियाँ छोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं पूड़ियाँ छोड़ रही हूँ और ऐसे प्रेस करने से पूड़ियाँ फूल जाता है, फूलने से एक फूलने के बाद मैं दूसरे को डाल रही हूँ, एक एक करके ऐसे 2-3 में छोड़ लूंगी। देखिए ऐसे प्रेस करने से जाके फूल जाएगा पूड़ियाँ। तो हम अभी लो टू मीडियम फ्लेम में रख लेंगे, जो कि थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने के लिए देंगे और अच्छे से कुरकुरे हो जाने के लिए। ये रेडी हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे अभी, और वैसे ही हम बाकी सबको भी वैसे ही फ्राई कर लेंगे जैसे कि अच्छे से फूल जाए। देखिए पूड़िया बहुत अच्छा फूल रहा है, और ये पूड़ी गोलगप्पे या पानी पूरी खाने में बहुत मजा लगता है, ये बिल्कुल ठेला वाला के जैसे पानी पूरी रेडी किया हूँ मैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पानी पूरी के लिए पूड़िया रेडी कर दिया और आलू का मसाला भी रेडी कर दिया, उसमें से एक मीठा पानी और एक तीखा पानी में रेडी किया हूँ, तीखा पानी में इमली से। तो अभी हम पूड़िया में आलू डाल के खाएंगे, कैसे टेस्ट लग रहा है पता चलेगा। तो मैं एक पूड़िया लेके हाथों में प्रेस करके दिखा रही हूँ तो कितना कुरकुरी हुआ है, देखिए कितना अच्छा कुरकुरी हुआ है। तो अभी हम एक पूड़िया से आलू मसाला को डाल के टेस्ट करेंगे कैसा लग रहा है।
चलिए टेस्ट करते हैं। ये आलू पूरा ठेला वाला की जैसे ही मतलब पानी पूरी हुआ है और बहुत टेस्टी लगता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।